हाँ, इसका मतलब ये कि तू मुझे भूल गया। अरे ये कैसे हो सकता है, बहुत दिनों में देखा नहीं था ना। बाकी पहुँच दिखता है तू, तबीयत भी अच्छी हुई है तेरी, साहब बन गया तू है। फिर साहब ही हूँ, बैंक का साहब, ऐसा वैसा नहीं। क्या कहते हैं फिर? हाँ, पर तू गाँव ही जा रहा है ना? हाँ, गाँव ही जा रहा हूँ। हाँ, चल ना फिर। मैं क्या कहता हूँ प्रकाश, ये गांव अब काफी सुधर गया। हाँ, फिर हाँ, रास्ते भी अच्छे हुए ना। अरे हाँ, श्रमदान में सब लोग शामिल हुए थे। अरे ये तो कमाल ही हुआ। हाँ, सरकार ने अनुदान वगैरह दिया है क्या? अरे वो कहा, अपनी मेहनत से होगा, सिर्फ तकरार करने वाले लोग इस गांव में है, इसलिए गांव का नाम तकरारवाड़ी हुआ। अरे ये क्या मेहनत करेंगे, भूल जाओ भूल जाओ, सब देख लेना तू। अरे पर ऐसे कैसे हुआ, सबने झगड़ना छोड़ दिया फिर? अरे संपूर्ण साक्षरता का काम अपने जिले में शुरू है ना। हाँ, रहने दे रहने दे। क्यों क्यों, कहने की बात है, यहाँ किसको बगता है सीखने और सिखाने को? हाँ ऐसे मत बोल, सब लोग रात के वर्क को जाते है, औरत लोग भी पीछे नहीं है। फिर शंकर ने इतना ठान लिया है कि पूछ मत, फिर खुद जाता है और दूसरों को भी पढ़ाता है। अरे क्या बोलता है, यानी शंकर ने पढ़ाई छोड़ दी क्या? वो किस लिए, वहाँ भी वो अव्वल है, खुद पढ़ाई करके गाँव वालों को भी पढ़ाता है। और कार्यक्रम तो इतने है, युवक मंडल, सुझाव जानकारी केंद्र, स्पर्धाएं, भाषण और क्या। और गांव के नेता लोग? वो भी इसमें है ना, सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अरे वाह, यानी कि औरत लोग भी पढ़ती है? पढ़ती है, वो तो सबसे आगे है, मर्दों से भी गांव की औरतों का उत्साह बहुत ज्यादा है। हाँ, और मेरी माँ? तेरी माँ और बाप तो पूरे गाँव में सबसे आगे है, मंजुला मौसी हमेशा नंदा के साथ। हाँ, फिर तो नंदा भी होगी इस काम में। वो भी सबसे आगे है, महिला मंडल किया और नए नए कार्यक्रम किया, उसे तो फुर्सत ही नहीं होती। कितना पढ़ी है वो? वो भी कॉलेज पढ़ती है और काम में भी बहुत माहिर है वो। अब जवान हो गई होगी ना वो? हाँ। कैसी दिखती है वो? अब वो मैं कैसे बताऊँ। अच्छा अच्छा, रहने दे रहने दे। हाँ, फिर मिलेंगे। हाँ, अच्छा हुआ। हाँ, बातों बातों में रास्ता कट गया। अच्छा, राम 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 राम। अरे अरे सुनो तो, देख कौन आया है। अरे अपना उत्तम आया है देख। क्यों बापू, कैसे हो? अच्छा उत्तम, तू आ गया। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, आखिर माँ बाप की याद आ गई तुझे। अरे आएगी कैसे नहीं, पर काम इतना होता है कि। बैठ 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 बैठ। कैसा है आपका पैर अभी? अरे अरे पैर का क्या लेके बैठा है, तू आया तो अब एकदम ठीक हो जाएगा देख। अरे पर तुझे किसने बताया? बबन का खत आया था बैंक के पते पर। हे भगवान, बेटा तू डर जाएगा ना, इसलिए खत नहीं लिखा तुझे। पर वो जगन और बबन को कितना ख्याल है इनका, जब ये गिर गए तो उन दोनों ने उठा के घर लाया था, दिन में दो दो बार देखने आते हैं। पर उनको पता था बेटा आए बिना बाप का पैर ठीक नहीं होने वाला। पर हड्डी पिड्डी तो नहीं टूटी ना? क्या हड्डी टूटी है, बस मामूली मार लगा है, दूसरा कुछ भी खास नहीं है। नहीं मुझे चिंता हो रही थी। अरे चिंता तो होगी ही, हमारा ही बेटा है ना तू। अच्छा ले पानी ले, पहले हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं चाय लाती हूँ। अच्छा अच्छा। वाह वाह वाह, अपने माँ के हाथ की चाय ने स्वर्ग का अमृत ही है। अरे उत्तम, तेरी माँ तो साक्षात अन्नपूर्णा है। हाँ हाँ, चढ़ा दो मुझे चने के पेड़ पर। अरे तुझे शहर में वहाँ क्या कमी है, चाहिए तो चांदी की प्याली में भी चाय मिलेगी। चाय तो मिलेगी, पर माँ कहाँ मिलेगी? तकरारवाड़ी बदल रही है ना माँ? बदलनी नहीं चाहिए, अरे तेरे जैसे सूट बूट वाले लोग यहाँ आने लगे तो गांव सुधरना चाहिए ना। सुधरा हुआ दिखता है इसलिए कहा, लोग भी सुधर गए। पर तुझे किसने बताया रे ये सब? अपना प्रकाश मिला था गली के मोड़ पर, आते आते उसने कहा। अरे लोग भी बदलते हैं, मगर हम बदल गए क्या? मैंने इनसे कहा तुम्हारा बेटा इतना सूट बूट वाला साहब हुआ, फिर तुम पहनो ना फुल पैंट और गिर जाओ पैर अटक के। नहीं बाबा नहीं, अपने को तो नहीं चाहिए, तुझे क्या गोल साड़ी पहननी हो तू पहन, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो। अरे नंदा ने भी बहुत इंटरेस्ट लिया है इन कामों में, अब बड़ी हो गई होगी ना। पढ़ती भी है या छोड़ दी पढ़ाई? अरे पढ़ाई कैसे छोड़ेगी, बहुत होशियार है वो और गुण वाली भी है, पारूबाई की इकलौती बेटी है वो। अरे बहुत लाड़ प्यार से उसे बड़ा किया पारूबाई ने, वो भी एक बेटे की तरह माँ की देखभाल करती है। अरे एक बेटा भी नहीं करेगा, इतना करती है वो।
घर का देख के गांव का भी संसार देखती है और पढ़ाई भी शुरू है। वाह, इतनी किसी की तारीफ पहली बार सुनी है मैंने। हाँ, मिलना चाहिए नंदा को। अरे फिर जाके मिलना, वो भी तुझे देख के खुश होगी। अब आया हूँ तो मिलकर ही जाऊँगा। अच्छा। हाँ, तो इस साक्षरता कार्यक्रम की खास बात ये है कि लोगों को उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई तो सब खेल खत्म होगा। इसीलिए लोगों की पसंद के सारे कार्यक्रम पहले से ही तैयार रखना चाहिए। लोग साक्षर हुए अब अगला कार्यक्रम, ऐसा करके नहीं चलेगा। नहीं नहीं, बराबर है बराबर है। अरे गांव के लोगों के खेती बाड़ी के सवाल, उनके जवाब, नई नई पद्धति की जानकारी, ऐसी कई बातें, यानी पढ़े लिखे आदमी ने गांव के ऐसे एकाध केंद्र में जाके जानकारी हासिल कर ली तो उसे भगवान मिला ऐसी खुशी होगी। हाँ, तो पर मैं क्या कहता हूँ गुरुजी, क्या अपने सरकार की कई योजनाएं हैं, उनमें से कई योजनाओं का फायदा हमारे गांव वालों को हम दिलवा सकते हैं। पर उनकी तफसील से जानकारी होनी चाहिए ना। अब अपने को भी कहाँ मालूम है सब कि कौन सी स्कीम में कितनी मदद मिलती है, आमदनी कितनी होनी चाहिए, और तो और उनके ब्याज का दर क्या है, अजी कागजात कौन कौन से लगेंगे, ये और वो। ये सब जानकारी संबंधित खाते में और खास करके जिला परिषद के खाते में मिलती है। वो जानकारी मिलने के बाद अपने गांव के युवक जगन बबन इन जैसों से उसका अभ्यास करवाएंगे। बराबर है। ये जानकारी पूरे गांव को दे देंगे। मैंने अखबार में पढ़ा है कि तमिलनाडु के एक जिले में सरकार से मदद लेकर पूरे जिले का कायापालट कर दिया है। ऐसा क्या, वाह वाह। चलो आज की पूरी तैयारी हो गई। अब कल के लिए हमें क्या व्यवस्था करनी होगी वो देखेंगे। अच्छा चलो चलिए। वाह, बगीचा बहुत सुंदर है आपका। रोज आप ही पानी देते हैं और फिर इन सब फूलों का क्या करते हैं? मंदिर में देते हैं। मंदिर में देते हैं। नंदा। हाँ? कौन? उत्तम तू है? हाँ। मुझे लगा कौन शहरी बाबू आया है। अच्छा जाती हूँ। अरे छापा मारने वाले इनकम टैक्स वाले साहब भी ऐसे ही दिखते हैं। तेरे घर पर छापा हुआ था क्या? ओह माँ, हमारे घर में है क्या छापा मारने? बैंक जैसी भरी हुई तिजोरी थोड़ी है। अरे कितना ढूंढा तुझे, तेरे घर गया था। पारो मौजी बोली होगी यही कहीं पे, सहेली के पास, नहीं तो महिला मंडल में। तो सोचा अब तेरी सारी सहेलियों के घर जाना पड़ेगा, पर तू मिल गई मंदिर के पास। हाँ बोल, आज कई दिनों के बाद याद आई गांव की, मैंने सोचा भूल ही गया हमको। अरे भूलूंगा कैसे, कम से कम तुझे तो भूलना मुमकिन नहीं। ऐसा तकदीर है हमारी, नहीं तो तुम शहर में रहने वाले लोग किस लिए हम गाँव वालों को याद रखेंगे। नंदा तेरी वजह से महिला वर्ग उत्साहित हो गए है ना? करती हूँ ऐसे वैसे, हमारी ताकत तो कितनी। अच्छा चल घर आता है ना। चल चल। नंदा एक बात कहूँ, तेरी गुणों की कदर इस गांव में नहीं होगी, शहर में आएगी तो। पर मेरी जरूरत यहाँ है, और जहाँ ज्यादा जरूरत होती है ना वहीं रहना चाहिए, है कि नहीं? हाँ हाँ। अच्छा वो जाने दे, तेरा कैसे चल रहा है? मजे में, अच्छी नौकरी है। अरे ऐसी सुविधाएं तो और कौन सी भी नौकरी नहीं होगी। अच्छा अच्छा रहना, खाना पीना। यानी पीने भी लगाया क्या तू? नहीं वो क्या है कि कभी कभी पी भी लेना पड़ता है ना। यही तो, आजकल कंपनियां बैंक और बिजनेस वाले बढ़ते ही जा रहे। अरे वहाँ विकसित देश शराब के खिलाफ आंदोलन शुरू कर रहे, और यहाँ अपने लोग जान बूझ के खुद को बुरी आदतें डाल रहे। सच है तेरा, आदतें तो आदतें ही हैं। फिर गुरुजी ये लीजिए। हाँ यहीं रहो। हाँ एक मिनट। हाँ ये ले जाओ क्या? हाँ वही रहने दे, वही पे रहने दो। गुरुजी ये मिर्ची। हाँ रहने दे। हाँ यहाँ पे रख। ये ले रखो, ये लाइए लाइए गुरुजी, मुझे दी। ये देखो अपने गांव के मिट्टी के कुछ नमूने, ये यहाँ ऐसे रखे हैं, आप सब देख लो। इसमें से कौन कौन से घटक हैं इसकी जानकारी बबन तैयार है ना? हाँ एकदम अच्छी तरह, एकदम नए नए पढ़े हुए लोग भी पढ़ सकते हैं। अरे उनके लिए तो इतनी खटपट हो रही है। हाँ। यानी कि पढ़े लिखे किसानों के लिए भी अपनी प्रयोगशाला खुली है। हाँ।
गुरुजी हाँ। ये देख के मैंने लिखा है। लिखा ना ठीक है, अब ऐसा करो उसके नीचे रख। हाँ हाँ हाँ, हरे जार के नीचे रख देंगे ये ऐसे। गुरुजी अब देखिए ये सब इस तरह रखा है। शंकर हमें इन लोगों को विज्ञान के नियम बता देने चाहिए हाँ, क्योंकि उसके भी कुछ नियम होते हैं और यह वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन सारे नियमों के अनुसार जो भी हमेशा चलेगा उसको ही उसका फल मिलेगा। बराबर है, होगा सब गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, ओ गुरुजी, देखा जाए तो कुछ पोस्टर्स भी बनानी चाहिए। हाँ पोस्टर्स भी लगा देंगे हम। अरे अपनी सरकार के कई खातों के द्वारा इतनी जानकारी दी जाती है, वो सब इकट्ठा करके उन लोगों को समझाना और उन लोगों तक पहुंचाना ये भी एक बहुत बड़ा काम होगा। देखो कुछ पोस्टर्स हमें तैयार मिल जाएंगे और कुछ हम तैयार करेंगे। सिर्फ तैयार करने की कल्पना गुरुजी देंगे। हम अपने गांव के किसी लड़के को बुलाकर उसे वो सब तैयार करके लेंगे। अच्छा देखो देखो बच्चों, अपनी प्रयोगशाला कैसी सज गई है। सब चीजें अपनी अपनी जगह पे हैं गुरुजी। गुरुजी मुझे तो लगता है अपने महिला मंडल को बुला के ये सब उन्हें दिखा देना चाहिए। क्या महिला मंडल को यानी नंदा को दिखा देंगे ये बोलना सीधे सीधे। करो करो मजाक करो। नमस्कार। अरे उत्तम तू? हाँ सोचा तुम बहुत बिजी होगी, मैं ही मिल लूं। आ बैठ। हाँ तुम्हारा महिला मंडल बहुत प्रगतिशील दिखता है। अरे हमारा सारा काम देख के एक समाज सेवक ने ये जगह हमारे मंडल को दी। यहाँ की औरतों को भी इतनी आदत हो गई है। हाँ आदत लगाने वाली तेरे जैसी होगी तो मुझे भी आदत पड़ेगी ना। अब आने वाले कार्यक्रम को मैं भी आऊंगा बुरखा पहन के। अरे वो किस लिए, हमारे इस कार्यक्रम को मर्द भी आ सकते है ना, बहुत से मर्द लोग आते हैं। यानी और आसान हो गया। जैसे कि तू आने वाला है। हाँ जरूर आऊंगा। वो कैसे, नौकरी छोड़ के? छोड़ के नहीं नहीं, अरे वो क्या है तुम्हारे महिला मंडल की कुछ योजनाएं होगी ना तो बैंक कर्जा भी देगी। क्या कह रहा है, अरे फिर करेंगे ना योजना तैयार। ये देख इस साक्षरता कार्यक्रम के बाद हमारा साक्षरोत्तर कार्यक्रम होता है और फिर निरंतर कार्यक्रम, तो इस निरंतर कार्यक्रम में अर्थोत्पादन का कार्यक्रम होता है, इससे यहाँ की औरतों को काम दे सकते हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक कर्जा देती है ना, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म, दूध व्यवसाय, फल बाग लगाना, ये और वो। तू इसकी जानकारी देगा? अरे जानकारी तो दूंगा ही पर कर्जा भी दूंगा मैं। तो भगवान की मर्जी हुई, हमारी महिलाएं इतनी खुश हो जाएंगी। हाँ चल 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 लेके आते हैं। हाँ चल। अब गाँव के लोगों के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। बहुत अच्छा है, शहर में रह के गांव को भूला नहीं तू, नहीं तो गांव के लड़के शहर में जाते हैं और वहीं के होते हैं, गांव तो रहता है पिछड़ा हुआ। अब रहने को कहेगी ना नंदा तो शहर में रहना जरूरी है, और शहर की बराबरी गांव कहां से करेगा। तेरा ठीक है रे, तेरा काम ही है शहर में, पर समझ तेरे बैंक की शाखा यहाँ खुली तो तुझे यहीं आना पड़ेगा ना। चल ऐसे कुछ भी मत बोल। अरे ऐसे ग्रामीण शाखा में तबादला हुआ तो लोग कैंसिल करने की कोशिश में रहते हैं, और अगर किसी को सजा करनी है ना तो हमारे शाखा में बजते हैं। बाकी सबका जाने दे रहे, पर तेरे जैसे लड़के को अपनी जिम्मेदारी। अरे कैसे जिम्मेदारी, शहर में रहके भी गांव के लिए बहुत कुछ करना आता है, तू भी वैसा ही कर, डिग्री मिलते ही शहर चलिया। नहीं रे बाबा, अरे गाँव सुधर गए तो देश अपने आप सुधरता है, ऐसा गांधी बाबा कहते थे। अरे जो देखो वो शहर की तरफ भागने लगा तो गाँव कैसे सुधरेगा। देश सुधारने की जिम्मेदारी तेरे अकेले के सर पर है, ऐसे तुझे किसने कहा। लोटे भर दूध की कहानी ने, तुझे मालूम है ना वो कहानी, महादेव का मंदिर दूध से भरना है, ऐसे सब गांव ने सोच लिया, हर एक ने कहा सब दूध चढ़ाएंगे, तो मैंने उसमें एक चम्मच पानी मिला दिया तो क्या हुआ, असल में क्या हुआ, पूरा मंदिर पानी से ही भर गया। इसलिए मैंने सोचा है गाँव के मंदिर में दूध ही चढ़ाऊंगी और बाकी लोगों को भी दूध चढ़ाने कहूंगी। जाने दो, बहसबाजी के अलावा बोलेंगे, तेरे कर्जे के बारे में बोलेंगे। हाँ हाँ उतना तो कर दे उत्तम, तूने इतना किया ना तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी,
ऐसे क्यों पिंजड़े के शेर जैसे चहलकदमी कर रहे हो? पिंजड़े का तो पिंजड़े का सही, पर मैं शेर हूँ ये तो कबूल किया कि नहीं? बस पका पकाया खाने वाला शेर पिंजड़े का ही होता है। पका पकाया? दो दिन हुए मेरा पैर दर्द कर रहा है, इसलिए मैं घर में बैठा हूँ, तो मुझे इतना ताना मार के बोल रही हो? मेरा पैर जरा ठीक होने दे। फिर पैर ठीक था तो बहुत बड़ी शिकार ला के देते थे ना? नहीं नहीं, तू शिकार कर रही थी और मैं पका के खाता था, ऐसा समझना चाहिए। तो अरे पर कुछ कुछ शेरों में ऐसा भी रिवाज होगा ही ना कि शेरनी शिकार करती होगी और शेर बैठ के खाता होगा। अजी पर एक जगह पर जरा बैठिए ना, क्यों खाली पीली चहलकदमी कर रहे हो? वैसा नहीं है, पर उत्तम अभी तक क्यों नहीं आया मालूम नहीं है। अरे वो देख उत्तम आ गया। आ बाबा आजा आजा, तुझे 100 साल जिएगा तू। आया क्या तू? अरे खाने के लिए तेरा इंतजार कर रहे है। अरे तुम्हारे महिला मंडल में गया था, सोचा क्या क्या कार्यक्रम होते हैं उसका पता कर लूं। तो है कि नहीं हमारे महिला मंडल की कमाल? कमाल? अरे तेरे जैसी जवान जोशीली कार्य करती है तो महिला मंडल तो कमाल करेगा ही ना। देखा कैसे बोल रहे है, आपको किसी ने कहा है काम मत करो? आप भी करो ना जोशीले काम। करूंगा ही, आज ही जाता हूँ विकास केंद्र में कार्यक्रम को। हाँ वहाँ जाने ही वाला हूँ मैं आज। हाँ पर माँ, नंदा की बुद्धि का जवाब ही नहीं है। अरे बुद्धि है ही उसे, पर सबको साथ ले चलने की निपुणता भी है, उसको ही मानना चाहिए। अरे वाह, तुझसे शाबाशी मिलने के लिए बहुत कठिन तपस्या चाहिए। अच्छा तुम्हें क्या लगता है? किसके बारे में? नहीं आपको नंदा कैसे लगती है? कैसी लगती है मतलब? अच्छी ही है। आ, अरे पूरे गांव के गले का ताईद है वो, ताईद। और पढ़ी लिखी भी है। ऐसा नहीं घर का खाके गांव का काम कर रही है। नहीं नहीं। अरे उत्तम चलो ना खाना खाने। आया चल बाबा चल चल खाना खाने चल, मुझे भी भूख लगी है। चल फिर चल। अब ये देखिए मृग नक्षत्र में बारिश शुरू हुई तो हम बीज बोना शुरू करते हैं, बराबर। हम अपने गांव में चावल उगाते हैं तो अब चावल के नए विकसित किए हुए जाति का बीज ये यहाँ रखा है, आप सभी से देखिए। हर एक ने एक ही जैसा बीज बोना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं, तो आप अपने जमीन की मिट्टी का दर्जा ध्यान में रख के बीज चुनिए, उसमें आपको जगन मदद करेगा। एक बात ध्यान में रखिए, जोताई करते वक्त आप यूरिया डालते हैं ना, ज्यादा मत डालिए, बल्कि कच्चा खाद और गोबर के खाद का उपयोग करें, उसका सही प्रात्यक्षिक हम आपको बाहर के बरामदे में देंगे। अभी लावणी करते हुए क्या करना है ये ध्यान में लीजिए, लावणी करते वक्त आप यूरिया डालते हैं ना, हाथ से मत डालिए, उससे वो बहुत सा जाया होता है। अब यूरिया की टीकियां मिलती है, वो टीकियां दो पौधों के बीच में अच्छी तरह से आधा आधा फुट खोद के कीचड़ में गाड़ देंगे तो अच्छा होगा। लावनी के बाद थोड़ा ठहरिए, गंदा पानी जाने दो, पानी साफ हुआ तो फिर ये हरित नील शैवाल नाम का खाद बिछा दीजिए। ये नए प्रकार का जैविक खाद है, परंपरागत खादों से ये खाद ज्यादा अच्छा है क्योंकि उससे
अपने पिकों की उपज में बढ़ोतरी होती है। परंपरागत खादों से जितनी फसल हमें मिलती है करीबन उससे दुगनी फसल हमें उससे मिलती है, और ये उतना महंगा भी नहीं है, यानी कि हम सबको वो फायदेमंद है। और ये चावल, मूंगफली, गेहूं, जवारी, इनके लिए इस्तेमाल करना अच्छा है। हमने हेजोबैक्टर लाया है, वो बीज को लगाने से उपजाई में बढ़ोतरी होती है, पौधे तेजी से बढ़ते हैं। जाने से पहले वो भी अच्छी तरह से देख लीजिए। शंकर, मुझे लगा तू कार्यक्रम के बाद घर गया होगा, इसलिए मैं घर जाके आई। क्यों, मैं बैठ सकती हूँ क्या? मैं क्या कहूँ, सार्वजनिक जगह ये। अच्छा, कौन सा सपना देख रहा था? सपने देखने के तेरे दिन है, नए लोग, नई दोस्ती। समझती हूँ तेरा ताना, उत्तम के बारे में कह रहा है ना तू? नहीं नहीं, मैं किस लिए किसका नाम लूँ? अच्छा बाबा, मैं ही कहती हूँ बस। अरे पर वो क्या कह रहा था वो तो सुन ले। इसलिए एक जवान हीरो और एक जवान हीरोइन क्या बोलते हैं मालूम है मुझे। गुस्सा आ गया? मैं क्यों गुस्सा करूँ, तेरा मेरा क्या संबंध? पर मैं कहती हूँ इतनी सी बात पे गुस्सा क्यों हो रहा है तू? कि तेरा नाम शंकर है इसलिए ज्यादा गुस्सा करना जरूरी है, और किसी को भी कुछ भी बोलना ही चाहिए। तुझे क्या फर्क पड़ता है? तुझे जलन हुई बोलना। अरे उत्तम मेरा बचपन का साथी है, उससे हंसी खुशी से बात की तो क्या बिगड़ा। वाह वाह वाह, फिर करना उसी के साथ शादी, बचपन की मोहब्बत का इंतजार करते रहना। हाँ ये बहुत हो रहा है शंकर। ये देख, बहुत तो बहुत से, मुझे कुछ मत बता, तेरा मेरा संबंध क्या है? नहीं है। ठीक है, भगवान तेरा भला करे, मैं चलती हूँ। के घर में कौन? अरे उत्तम, अरे आना। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए मौसी, नंदा नहीं आई क्या? नहीं, मैं तो उसी की राह देख रही थी। फिर अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? नहीं यानी नंदा नहीं है, यही ठीक है। मौसी मैं कल शहर जा रहा हूँ। हाँ? और मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ मालूम है। मौसी मैं नंदा से शादी करना चाहता हूँ।